हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज एसएससी सीएचएसएल 2019 नोटिफिकेशन निकल चुका है। सीएचएसएल क्या है? जो 10+2 जो 12th स्टैंडर्ड पास हो चुका है वो ये फॉर्म डाल सकता है। तो आज 3 दिसंबर 2019 ये आज से शुरू हो गया। 10 जनवरी 2020 तक ये फॉर्म फिलअप चालू रहेगा। उसके पहले आप लोग फिर जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। वेबसाइट है ssc.nic.in। यहाँ पे जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल सकता है, ऑफिशियल एक पेज भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज से स्टार्ट हुआ 3 दिसंबर 2019, चलेगा 10 जनवरी 2020 तक। एंड CHSL टायर वन होगा 16-27 मार्च 2020 में, एंड टायर टू होगा 28 जून 2020 में। इसका एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज में होगा, 3 फेज में। टायर वन होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में टायर वन होगा कैसे, कहां से होगा? कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से ये एग्जाम होगा टायर वन। टायर टू, जो टायर वन में क्वालिफाई हो जाएगा, उन स्टूडेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी में। जो इंग्लिश में सूटेबल हो इंग्लिश पेपर चूज करेगा, जो हिंदी में सूटेबल हो हिंदी पेपर चूज करेगा। कैसे होगा? पेन और पेपर, मैनुअली पेन और पेपर मोड में ये एग्जाम होगा। उसके बाद टायर टू फेज में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएगा उसके लिए स्किल टेस्ट, कंप्यूटर पर प्रोफेशनल टेस्ट होगा, व्हेन एवर एप्लीकेबल, जब जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। बैंक में जैसा होता है सेक्शनल कट ऑफ, वो इसमें नहीं होता है। एसएससी सीएचएसएल बाय सीजीएल में ये नहीं होता है। नो, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है? हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव कैसे होगा? 0.5 माइनस होगा। एवरी रॉन्ग आंसर विल हैव ए पेनल्टी, 0.5 मार्क्स इन ऑल सेक्शंस। और एक चीज, जो विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट है, जो लोग विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 मिनट्स का टाइम मिलेगा एग्जाम के टाइम। उनके लिए 80 मिनट्स टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए। तो हम आज आप डिस्कस करेंगे टायर वन के बारे में, टायर वन सिलेबस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले से शुरू करें रीजनिंग एंड जीआई एंड इंटेलिजेंस। रीजनिंग में क्या क्या होता है? रीजनिंग एंड जीआई में लॉजिकल रीजनिंग आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगा, रैंकिंग आएगा, डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशियंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, पाजल, टैबुलेशन, सिलुलिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो ये है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें क्या क्या है? सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, शार्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा? सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर में से मैथ आएगा। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये है मैथ का पेपर का सिलेबस। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक्स आएगा? क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरो स्पॉटिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और क्या? जनरल अवेयरनेस, जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जीके से, हिस्ट्री से आएगा, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंसेस,
जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स एंड ऑनर एंड बुक्स एंड ऑथर्स। तो टायर वन में चारों टॉपिक, चारों चैप्टर से क्वेश्चन आएगी, रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, इंग्लिश से एंड जनरल से। टोटल मार्क्स रहेगा 100, टोटल मार्क्स रहेगा 200, टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 एंड पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा। टोटल एग्जाम होगा आपको 200 का एंड टाइम रहेगा ओनली 1 आवर। सो गाइज प्लीज पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए एंड प्रैक्टिस जितना हो सके, जितना बार हो सके करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस 1 आवर में 100 क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल होता है अटेंड करने में। तो जल्दी से शुरू कर दीजिए अपना प्रैक्टिस रेगुलरली। तो ये हुआ आज का सिलेबस एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का। तो चैनल, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज आपको इन्फॉर्मेशन दिया एसएससी सीएचएसएल 2019 नोटिफिकेशन बारे में, जो 12th स्टैंडर्ड दे चुका है वो ये फॉर्म जरूर फिलअप कर सकेगा, मगर 10 जनवरी 2020 के अंदर, उसके बाद नहीं होगा। इतने दिन में आप लोग फिलअप कर लीजिए और टू द पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कुछ कुछ गलती हुआ तो प्लीज कमेंट करके आप लोगों को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स गुड नाइट, थैंक यू।